एसडीओ कार्यालय के सामने अवस्थित एक प्राचीन पेड़ के धराशायी हो जाने से दो दुकान क्षतिग्रस्त हो गई है। एसडीओ कार्यालय के सामने अवस्थित एक विशालकाय पेड़ के अचानक गुरुवार की सुबह धराशायी हो जाने से दो दुकानें क्षतिग्रस्त हो गई हैं। दुकानों को खगन महतो और रत्तीधर चलाते थे। उनका कहना है कि अब उनके समक्ष रोजी रोटी की समस्या उत्पन्न हो गई। ना जो पेड़ जो था सुबह गिर रहा था, 3:30 बजे से थोड़ा थोड़ा गिर रहा था। उसके बाद सामान ना धीरे धीरे गिरते गिरते सुबह 7 बजे 8 बजे पूरा गिर गया गाछ ऊपर में। अब नुकसान काफ़ी हुआ है, दौड़ कर निकाल गया और के बच गया, नहीं तो हम लोग का ऊपर खतरा। कितना दुकान टूटा? दो दुकान टूटा है। क्या नाम से दुकान? मेरा नाम है खोकन और उसका बगल वाला का नाम है रोतू। क्या चीज़ दुकान है? होटल है, खाना का होटल का सामने में है। कौन सा जगह? नई समाज समन्वय समिति ने उपायुक्त को ज्ञापन देते हुए समाज के सामुदायिक भवन की चारदीवारी निर्माण की मांग की है। नाई समाज समन्वय समिति ने उपायुक्त को ज्ञापन सौंपकर समाज के लिए सुनारी दो मुहाने स्थित सामुदायिक भवन निर्माण के लिए पूर्व मंत्री बन्ना गुप्ता को साधुवाद दिया और कहा कि चारदीवारी का भी निर्माण शीघ्र हो तो सुरक्षा बनी रहेगी। उनका नेतृत्व महेश्वर ठाकुर कर रहे थे। कृषि मंत्री विधायक बन्ना गुप्ता जी के सौजन्य से शौचालय और नाई समाज सामुदायिक भवन जहीरा बस्ती सुनारी में शौचालय, एक दूसरे में चार दीवारी बाउंड्री वॉल, तीसरे में आपका पक्का का प्लेट बिछाने का और एक हॉल का आवेदन दिया गया था। इसमें से चार दीवारी और शौचालय पास कर दिया गया और अभी तक चार दीवारी डीसी साहब के माध्यम से पास किया हुआ लंबित पड़ा हुआ है। वो क्यों लंबित पड़ा हुआ है उसका कारण पूछने कहाँ से हुए आप लोग? हम लोग सोनारी से नाई समाज समन्वय समिति जहेरा बस्ती सोनारी दुमाहनी। ब्रेक के बाद खबरों में फिर से आपका स्वागत है। झारखंड विकास मोर्चा के जिला अध्यक्ष फिरोज खान ने मानगो क्षेत्र में बिजली पानी की समस्या को लेकर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। मानगो क्षेत्र में व्याप्त पेयजल व बिजली संकट को लेकर JVM ने आंदोलन की रूपरेखा तैयार की है। गुरुवार को जिलाध्यक्ष फिरोज खान ने संवाददाता सम्मेलन बुलाकर कहा कि भाजपा द्वारा सिर्फ झूठे वायदे किए गए। आज जिस तरह विगत दिनों मुख्यमंत्री जी का बयान आया था कि बिरसा नगर जलापूर्ति योजना, जो मोहरदा जलापूर्ति योजना है, उसको जिसको को हैंडओवर कर दिया जाए, उसी तरह हम चाहते हैं कि मानगो जलापूर्ति योजना जो पूरी तरह फेल है, आधे लोगों को कनेक्शन मिला है, आधा को पानी मिलता है, आधा को नहीं मिलता है, इसी तरह जिसको को मुख्यमंत्री जी को मानगो जलापूर्ति योजना को देना चाहिए। और साथ ही साथ मानगो में बिजली की स्थिति यह है कि मात्र हमको 24 घंटा में 12 घंटा या 10 घंटा बिजली मिल रहा है, तो परेशान है, हैरान है। इसीलिए हम चाहते हैं कि दोनों जिसको को पानी और बिजली मानगो को देना चाहिए, अन्यथा झारखंड विकास मोर्चा के लोग मानगो के लोगों के साथ मिल करके चक्का जाम करने का काम, आंदोलन करने का काम करें। DAV पब्लिक स्कूल बिष्टुपुर में अंतर्राष्ट्रीय योगा सप्ताह मनाया जा रहा है। 21 से 28 जून तक चलने वाले अंतर्राष्ट्रीय योगा सप्ताह में DAV पब्लिक स्कूल के बच्चों को योगा विशेषज्ञ न सिर्फ योगा का प्रशिक्षण दे रहे हैं बल्कि निरोग और स्वस्थ रहने की कला भी सिखाई जा रही है। And as they become warm, keep them on your eyes. And only the warm fades away, gently remove your hand and... हम लोग DAV पब्लिक स्कूल बिष्टुपुर जमशेदपुर से हैं और हमारे स्कूल में ये चांटिंग क्लब है जो मंत्रों का उच्चारण सिखाती है बच्चों को। तो उसके तहत और इंटरनेशनल योगा डे के तहत DAV बिष्टुपुर ने ये ऑर्गेनाइज किया है छोटा सा प्रोग्राम। स्वामी केवलानंद सरस्वती जो बिहार स्कूल ऑफ योगा मुंगेर से हैं, स्वामी सत्यानंद सरस्वती जी के डिसाइपल हैं। हमारा ये सौभाग्य है कि हम स्वामी जी को आज यहाँ बुलाए हैं और स्वामी जी ने हमारा आग्रह स्वीकार किया है। वहीं दूसरी ओर राजेंद्र विद्यालय स्कूल में प्रबंधन की ओर से बच्चों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के लिए एक कार्यशाला का आयोजन किया गया जिसमें अभिभावकों को भी आमंत्रित किया गया था। कार्यशाला में बच्चों को स्वास्थ्य रखने और उनकी मानसिक शारीरिक विकास के लिए जरूरी टिप्स दिए गए। कार्यशाला में TMH और कांतिलाल अस्पताल के चिकित्सकों ने भी योगदान दिया। हेल्थ अवेयरनेस सेमिनार ऑर्गेनाइज किया गया
जहाँ डॉक्टर उनके तंको भाई वो हमारे पेरेंट्स को उनके जी के पेरेंट्स को बच्चों को किस तरह से अपब्रिंग करें, बच्चों को किस तरह से खिलाएं पिलाएं, उनकी मानसिक शारीरिक शक्तियाँ कैसे बढ़ाएं, और शारीरिक शक्ति बढ़ने से ही मानसिक शक्ति बढ़ती है, तो किस तरह से उनको खिलाएं पिलाएं, उनका पालन पोषण करें राइट फ्रॉम प्रेगनेंसी से लेकर बड़े होने तक मैम बताए हैं। और बोले हैं कुछ भी और भी क्वेश्चन हो तो आगे भी। डॉक्टर हैं डॉक्टर कांति लाल, नमस्कार सर। जमशेदपुर स्पोर्टिंग एसोसिएशन द्वारा आयोजित जेएसए फुटबॉल लीग के अंतर्गत गुरुवार को खेले गए मैच में झारखंड स्पोर्टिंग की टीम ने एक तरफे मुकाबले में ग्राम विकास केंद्र की टीम को शून्य के मुकाबले 4 गोलों से हरा दिया। किनन स्टेडियम में, इसलिए स्टेडियम में जैसे लीग चलाया जाता है यहाँ लीग के लिए लड़कियों के लिए थोड़ा टेस्ट करने के लिए, तो क्रिकेट में ज़्यादा ध्यान है, इसलिए फुटबॉल के ऊपर जैसे लीग चलता है, मैं तो कोई फुटबॉल के ऊपर ध्यान भी नहीं रखेगा, बच्चे लोगों का कोई पहचान नहीं रहेगा, उनसे तो मैं